तो गाइस अभी हम लोग स्ट्रीट वॉकिंग कर रहे हैं मनाली में और शाम का वक्त है, तो घूमते हैं, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। गाइस ये देख रहे हैं आप, हैंडमेड पेंटिंग भाई साहब बना रहे हैं। तो गाइस कीरिंग लेने के लिए अभी हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं शॉप में। यहाँ देखोगे आप तो बहुत सारी कीरिंग्स लगी हुई है, बहुत सारी कीरिंग्स हैं यहाँ पर, देखते हैं। तो देखो कितनी भीड़ है अभी यहाँ पर मनाली में। तो कैसे लग रहे हैं? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो भाई प्रियंका को इयर रिंग्स भी देखने हैं यहाँ पर साथ में। सॉरी यार, ठंड इतनी लग रही है ना कि हम सब ने टोपा ले लिया है। देखो बच्चों ने भी ले लिया है और हमने भी ले लिया है, प्रियंका ने भी ले लिया है, सभी ने टोपा ले रखा है। अभी हम हैं मणिकर्णिका गुरुद्वारे में और कुछ ऐसा नज़ारा है इसका। तभी हम हैं कसोल की वादियों में, आप देखिए ये है कसोल का एक नेचर पार्क। ये आराध्या अद्विका ने तो झूला झूलना शुरू कर दिया है। हमने ले लिया है रॉक गार्डन का टिकट, यहाँ से हमारी एंट्री हो रही है। यहाँ से एंट्री हो गई हमारी रॉक गार्डन में, और किधर जाना है कुछ पता नहीं है। तो यहाँ इनको भी अगर आप देखेंगे ना, तो ये भी वेस्टेज मटेरियल से बनाया गया है, जो टूटे हुए प्लग्स वगैरह होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम घर के, उससे बनाया गया है। यहाँ पर मटके, उनका कुछ ऐसा डिज़ाइन बना दिया गया है। बार बार घूम करके वहीं आ जाओगे आप, आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ पे जा रहे हो कहाँ पे आ रहे हो। ऐसा है कुछ, यहाँ ऐसे झुक के निकलना पड़ेगा और फिर यहाँ पर फिर खुला, अब फिर ओपन एरिया में आ गए। चलते रहो, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ कहाँ हम लोग घूम रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, अभी पता नहीं किधर से है। फिर से देखो भाई, ये छोटी छोटी गुफाएँ जैसी हैं, बड़ा झुक के निकलना पड़ता है। फिर ओपन एरिया आ गया, फिर वहीं पर आ गए, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, नीचे नीचे आगे पीछे चारों तरफ घूम रहे हैं हम लोग। वंस अगेन संभाल के फिर आ गए यहाँ पर, सारा एक जैसा ही लगता है, पहाड़ी पहाड़ी। माइंड योर हेड लिखा हुआ है गुफा में। कैसे जा रहे हैं? आ गए हम लोग इधर गया। ये यहाँ देखेंगे तो देखिए ये सब बना हुआ है, रॉ मटेरियल से इसको बनाया गया है, डॉग म्यूजियम के नाम से यहाँ पर लिखा गया है। और आप देखेंगे सारा कुछ रॉ मटेरियल यूज़ किया गया है जितना भी। तो यहाँ ऊपर कुछ ऐसा है, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन सा दिख रहा है, और यहाँ देखेंगे ये ग्रीन सा नज़र आ रहा है, साथ में यहाँ पर पूरा का पूरा किला जैसा ही चारों तरफ नज़र आ रहा है। और देखेंगे तो कुछ ऐसा, ये यहाँ पर नहर सी है आगे। तो फिर से यहाँ पर देखेंगे एक आर्टिफिशियल झरना बनाया गया है,
और ये देखिए आर्टिफिशियल झरना है। तो देखिए तो यहाँ पर थोड़ा ठंडा मौसम है, एक आर्टिफिशियल झरना यहाँ से भी है। यहाँ पर मिनी थिएटर, अभी जो इसमें कुछ भी नहीं चल रहा है क्योंकि दिन का टाइम है, मे बी नाइट में चलता होगा। यहाँ देखेंगे तो एकदम गुफा जैसा लग रहा है। तो गाइस यहाँ पर देखेंगे तो ओपन एरिया है और साथ में यहाँ पर फैन वैन लगे हुए, तो यहाँ बैठ सकते हैं। और यस यहाँ पर है फिश का म्यूजियम और कलर्स हैं, जो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हो रहे हैं। यहाँ पर मिरर कुछ अलग अलग से हैं, जैसे इसमें मैं काफ़ी मोटा दिख रहा हूँ और यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पर आधा चेहरा ऊपर दिखेगा आधा चेहरा नीचे दिखेगा। यहाँ पर कुछ उल्टा है, जस्ट अपोजिट है। और वहीं अगर आगे इसमें जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग लंबे हो गए काफ़ी। और ये वाले में इसमें तो और लंबे हो गए। जैसे पहले होता था गांव में लोग कैसे रहते थे वही दिखाया गया है यहाँ पर। ये कुआं बनाया गया है और यहाँ पर देखिए बैंड बाजा बारात लेकर खड़े हुए हैं लोग, बारात जा रही है। और ये जैसे कि पहले डोली में बारात जाती थी वही दिखाया गया है यहाँ पर, जैसे ऋषि मुनि बैठे हुए हैं या बैठे हुए हैं। और साथ में यहाँ देखेंगे पहले कैसे हल से खेती होती थी वही दिखाया गया है यहाँ पर। ये देखेंगे ये सब मंकी और ये जानवर का प्रारूप बना दिया गया है रॉ मटेरियल यूज़ करके। ये देखेंगे तो बैंगल्स चूड़ियों का बना कर रखा हुआ है ये डिज़ाइन। और यहाँ पर ये सैनिक जैसे परेड करते हैं वैसा बनाया गया है। काफ़ी धूप हो गई है तो अब ये सोचा जा रहा है कि बाहर निकलते हैं। अभी बाहर आ गए हैं, पता भी नहीं चल पाया कैसे बाहर आ गए, बस चलते जाओ घूमते जाओ और आप बाहर निकल आओगे। और पार्किंग में अभी आ गए हम लोग। गाइस यहाँ से निकलने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं सुखना लेक और हमने कर लिया है ई रिक्शा, उतर गए हैं यहाँ सुखना लेक पे। और देखिए सुखना लेक के पास में यहाँ पर ही कैफेटेरिया है, पीछे आप देखेंगे काफ़ी बड़ा कैफेटेरिया है। तो घूमने के लिए तो काफ़ी दूर तक है, काफ़ी लंबा है। और यहाँ पर फोटो आर्टिस्ट और स्केच आर्टिस्ट भी काफ़ी सारे हैं और पर वोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। भाई काफ़ी धूप है, अभी दोपहर का टाइम है। अभी हम लोग आ गए चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन बोर्ड करने के लिए।